अनुराग चावला, आज बात होगी मुद्दा आपका में उस मुद्दे की जो इस वक्त देश का मुद्दा बन गया। देश का मुद्दा, दो मुद्दे बने आज देश के भीतर, दो मुद्दे बने। एक मुद्दा जिसको लेकर देश की मीडिया आज बेहद चिंतित दिखाई दी, वो था अमित शाह की जाट नेताओं से मुलाकात। मैं दो मुद्दों की बात करूंगा। अमित शाह की जाट नेताओं से मुलाकात, जाटों को मनाने की कोशिश के रूप में इसे देखा गया, क्योंकि जाट नाराज बताए जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के प्रभाव को लेकर बीजेपी कश्मकश में है। अब बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह जाटों को मना रहे। वो कह रहे हैं कि 2014 में आपने वोट दिए, 2017 में आपने वोट दिए, 2019 में आपने बंपर वोट दिए, आपके बिना जीत अधूरी है। इसलिए जाटों को मनाने की कोशिश के रूप में अमित शाह की पहल को देखा जा रहा है। इसको लेकर देश की मीडिया भी आज चिंतित दिखाई दी। अमित शाह कोशिश कर रहे हैं जाटों को मनाने की, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखाई दे, क्योंकि जाटों का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा है और किसान आंदोलन के बाद से जाट नाराज बताए जाते हैं। ऐसे में उन्हें मनाने की कोशिश और कवायद के रूप में इसे देखा जा रहा है जो कि अमित शाह ने की है। लेकिन यह तो रहा पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, देश के भीतर नौकरी मांगते उन युवाओं से जुड़ा है जिसकी लाठी खाते हुए आज तस्वीरें भी वायरल। वैसे सियासी तपिश की आग बिहार में जली, नौकरी की आग। हम लगातार कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह का हिंसा का समर्थन नहीं करते, यह किसी भी रूप में जायज नहीं है। जहां पर आगजनी हो, तोड़फोड़ हो, लेकिन हां, छात्रों के हक की आवाज जायज जरूर है। आज लाठी खाते हुए छात्रों की तस्वीरें भी सवाल खड़ा कर रही हैं। एक मुद्दा वो जिसके लिए देश की मीडिया चिंतित है कि अमित शाह जाटों को मना रहे हैं, लेकिन दूसरा मुद्दा एक देश का यह भी है जहां पर छात्र लाठी खा रहे हैं। छात्र लाठी खा रहे हैं, कई जगह विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई, आगजनी की तस्वीरें आई, फिर हम कह रहे हैं कि हम हिंसा को जायज नहीं मानते। यह गलत रास्ता है, गलत तरीका है। जिन्होंने भी यह किया वो गलत किया। लेकिन रेलवे भर्ती को लेकर हुए हंगामे में आज कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसका जिक्र होना भी जरूरी है, इसकी फिक्र होना भी जरूरी है देश की उस मीडिया को जिसको इस बात की चिंता है कि बीजेपी जाट बना पाएगी या नहीं। उन बेरोजगारों की आवाज कौन उठाएगा जो राष्ट्रहित 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 के नाम पर रोज हंगामा काटते हैं? क्या उन्हें लाठी खाते हुए छात्र दिखाई नहीं देते जो राष्ट्रहित के नाम पर रोज हिंदू और मुसलमान को लड़वाते हैं? आज इनका जिक्र भी होगा। देश के दो मुद्दे, एक अमित शाह जो जाटों को मना रहे हैं, देश के गृहमंत्री, बीजेपी के रणनीतिकार, बीजेपी के चाणक्य जो देश की मीडिया कहती है, और दूसरा मुद्दा लाठी खाते हुए युवा, लाठी खाते हुए बेरोजगार, लाठी खाते हुए रेलवे में भर्ती की मांग कर रहे नौजवान। मैं सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा दें। केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। केसी जैन साहब के साथ साथ कपीश श्रीवास्तव मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। दीपचंद राठौर साहब मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि कांग्रेस के नेता हैं। कुछ ही देर में मेरे साथ ज्वाइन करेंगे इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे सवित मलिक साहब जो कि किसान नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले
इस कार्यक्रम की शुरुआत कैसी जैन साहब आपके साथ करना चाहूंगा। मलिक साहब भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले केसी जैन साहब आपसे इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं मैं। जी जी। और मैं अपने सहयोगी सुमित से चाहूंगा जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि ये देश की मीडिया बहुत चिंतित थी आज, जाट मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो मैं मलिक साहब से पूछ लूंगा, बहुत चिंतित थी देश की मीडिया आज कि बीजेपी ने मना लिया, बीजेपी मना लेगी, बीजेपी किसी भी हाल में जाटों को साथ ले जाएगी। देश की मीडिया बहुत चिंतित थी आज। इतनी चिंता तो शायद बीजेपी को ना हो जितनी देश की मीडिया को थी आज। बहुत चिंतित, किसी भी तरह से जाट मान जाएं, इस बात की चिंता देश की मीडिया को थी। अब देश की मीडिया ने तो मना लिया जाटों को, अब माने नहीं माने वो तो आप ही बताएंगे, मलिक साहब बताएंगे, आप लोगों के आपस का मामला है। लेकिन दूसरा मुद्दा देश का, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा वो तस्वीरें प्ले करिए सबसे पहले, जहां पर बेरोजगार आज लाठी खाते हुए दिखाई दी। ये तस्वीरें जहां पर नौजवान आज लाठी खा रहे हैं, केसी जैन साहब आप देख रहे होंगे, प्रयागराज में पिटते युवा रोजगार की मांग कर रहे थे, और आज गणतंत्र भी मुझे दिखाई दिया। गणतंत्र मैं क्यों बोल रहा हूं, ये गणतंत्र क्योंकि आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, ये गणतंत्र की तस्वीरें भी आई। मैं फिर कह रहा हूं कि जहां हिंसा हुई उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं, गलत हुआ, लेकिन जो ये बेरोजगार पिट रहे थे, और दूसरी तरफ मेरे देश की मीडिया चिंतित थी कि आप लोग जाटों को मना लेंगे, प्राथमिकता क्या थी केसी जैन साहब, प्राथमिकता क्या थी मेरे देश की मीडिया की? प्राथमिकता ये थी कि किसी तरह जाट बन जाए। आपकी प्राथमिकता क्या थी, युवाओं को रोजगार देना या जाटों को मनाना? देखिए चावला जी, आपने जो विषय उठाया है अच्छी बात है, लेकिन ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में ली जाती, और आपने जो सवाल उठाया कि वहां पे लाठी चार्ज हो रहा था, वहां पे वो बच्चे आंदोलित थे, हिंसा का हम साथ नहीं दे रहे हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसके साथ में ये जैन साहब जैन साहब ऑडियो आ रहा है मेरा? जैन साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जैन साहब तक लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से उनका ऑडियो वीडियो दोनों चला गया। लेकिन मलिक साहब आज तो बड़े खुश होंगे आप, बीजेपी नेता खूब मान मनोबल के लिए आप लोगों की चौखट पर आ रहे हैं। आज तो मेरे देश की मीडिया भी बहुत चिंतित थी कि मलिक साहब मानेंगे नहीं मानेंगे। मैंने कहा मलिक साहब से पूछ ही लेते हैं, जाट मान गए कि नहीं माने? तिलक जी, दो हजार 2014 में जाटों ने बीजेपी को 77% वोट दिया, 2019 में 91% वोट दिया, और इन्होंने क्या किया, हरियाणा में जाटों के सीने में गोलियां दागने का काम किया, जो आरक्षण मिला था केंद्र में उसको छीनने का काम किया। इसके बाद 28 तारीख में दिल्ली के अंदर एक किसान नेता जिसके आंसू निकल रहे थे, ये उसकी हत्या कराने चाहते थे, उस वक्त चौधरी अजीत सिंह खड़े हुए और उनको मनोबल दिया और
किसानों का साथ दिया। अब जब इनको गांव गांव दौड़ने लगा किसान और जाट खास करके, घरों के ऊपर लिख दिया कि बीजेपी का आना मना है, तब इनको जाटों की याद आई। जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, ये कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, ये जाट मुस्लिम दंगा है। और आज जाट और मुस्लिम जब एक होकर इनको वोट की चोट देने का काम कर रहा है, जब इनको अपनी धरती खिसकती नजर आ रही है, तो आज इनको जाट याद आ रहे हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप मलिक साहब तिलक जी सुन लीजिए बोल रहे हैं, लेकिन मेरे नहीं, मेरी सुनिए, मेरी सुनिए, मैं बहुत काम की चीज आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए फिर आप पूछना। किस श्रीवास्तव की भाषा बोल रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जाटों की मीटिंग कर सके। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई नेता ऐसा नहीं था जिसके घर में मीटिंग कर सके? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे के यहाँ मीटिंग करते हैं, और वो भी बीजेपी के अपने कार्यकर्ता बुलाते हैं। आपको पता है जाटों की राजनीति खापों से चलती है, और खाप में चौधरी होते हैं, जो चौधरी कहते हैं उनकी बात मानी जाती है, खाप के हिसाब से जाट चलती है। क्या उसमें कोई खाप चौधरी गया? मेरे पास भी अपने जनपद की लिस्ट है, वो सारे वो लोग हैं जो इनके पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी के नाम पर ये जाटों की मीटिंग दिखा रहे हैं। अरे जो असली जाट है और किसान है वो तो इनको गांव से दौड़ा रहा है, और उन्होंने अपने दरवाजों पर लिख दिया है कि बीजेपी का आना मना है। आपको और इन्होंने एक बयान दिया था 2019 में जो इनके सर में कील ठुकने के बराबर काम कर। मलिक साहब आपको नहीं आया था क्या? तिलक जी इन लोगों ने कहा था 2019 में जब चौधरी चरण अजीत सिंह जी चुनाव हार गए, इनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि आपने चौधरियों की चौधरात खत्म कर दी। वो बयान यहाँ के जाटों को ऐसा चुभा कि आज इन्होंने दिखला दिया कि चौधरात कैसी होती है। इनके गृह मंत्री झोली फैलाकर गली गली घूमे। ओके मलिक साहब आप विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, आज मेरे देश की मीडिया ने बताया कि आप लोग मान गए, आपने कपीश श्रीवास्तव जी से सुपारी ली है, आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप किसान नेता नहीं है, आप विपक्ष के नेता हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं। ऐसा है हाँ, आप राष्ट्रद्रोही चावला जी जाट से बड़ा, मेरे देश की मीडिया ने बताया कि आप देशभक्त कोई नहीं होता, आप गलत बोल रहे हैं। देखो तिलक जी जितने लोग शहीद होते हैं उसमें जाटों की गिनती कर लेना, और जितने लोग पदक लेके आते हैं उसमें जाटों की गिनती कर लेना, और इस बीजेपी को संजीवनी देने वाले जाट थे मुजफ्फरनगर से, जो दंगे का लाभ इन्होंने लिया, और जो लोग मुकदमे हुए थे इन्होंने कहा था कि ये मुकदमे वापस करा देंगे, आज तक ये मुकदमे वापस नहीं करवा पाए। अभी पूछ लूंगा एक सेकंड, केसी जैन साहब। जी 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 चलो सर, वो ऑडियो वीडियो बीच में चला गया था, मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे। आज मेरे देश की मीडिया बता रही थी कि जाट मान गए, आज आपने जाटों को मना लिया। मलिक साहब कह रहे हैं कि मतलब ही नहीं, हम तो गांव में भी ना घुसने दें। जो जाट नहीं थे वो तो पदाधिकारी थे, आपके लिस्ट लेकर बैठे हुए वो तो। देखिए चावला जी, अब चुनाव चल रहा है, चुनाव में बहुत सारी बातें आएंगी, और जो हमारे साथ में चौधरी मलिक साहब बैठे हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये कह करके अभी जो इनकी भाषा शैली रही कि झोली फैला रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो देखिए लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि झोली फैलाना पड़ता है और हर एक को झोली फैलाना पड़ता है, और उसी से पता चलता है कि वास्तव में कि जिनके सामने हम झोली फैला रहे हैं वो कोई बाहर से आए हुए विदेशी नागरिक नहीं है, वो हमारे अपने लोग हैं। और ये जो झुकना है यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। झोली कौन नहीं फैला रहा है? ठीक है, हमने साजी झोली फैलाया, हम उसको नकार नहीं रहे, हम भी झोली फैला रहे हैं, आप भी झोली फैला रहे, अखिलेश जी भी झोली फैला रहे हैं, बहन जी भी झोली फैला रही है, कांग्रेसी नेता भी झोली फैला रहे हैं, यहाँ तक कि जो प्रधानी का चुनाव होता है वो भी झोली फैलाता है, बीडीसी का चुनाव होता है वो भी झोली फैलाता है, और जो राष्ट्रपति के लिए जिसका नामांकन होता है वो भी झोली फैलाता है। जाट मान गए मेरे देश की मीडिया। देखिए बिल्कुल जाट माने कि नहीं माने? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चावला साहब, जो कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ, मुजफ्फरनगर में बहनों की लाज और इज्जत बचाने के लिए जिस प्रकार से वहां पे
दो भाइयों की हत्याएं की गईं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जाट ये समझता है, हमारे जाट भाई इस चीज को अच्छी तरीके समझते हैं कि किसके साथ में उनकी सुरक्षा है, किसके साथ में उनकी सुरक्षा नहीं है। दूसरी बात, दूसरी बात ये कि बात मीडिया को दिखाने या ना दिखाने के लिए, चावला साहब बात दिखाने या ना दिखाने की मीडिया की नहीं है, ये पूरी देश की जनता जान चुकी है। देखिए ये जाट में, यादव में और कुर्मी में और ये वैश्य में, छत्री में, ब्राह्मण में, अभी तक ये ब्राह्मण के लिए समाजवादी लोग बहुत चिंतित थे, अभी तक ये मूर्तियां लगवा रहे थे, इसके पहले ना इनको मूर्तियों की याद आई, ना पांच तक सरकार, पांच साल तक सरकार रही, ना ब्राह्मणों की याद आई, आज जाटों की याद आ रही है। तो ये अलग अलग जातियां याद आए इनको, हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। मुझे तो लगा किसान नाराज है, आप कह रहे जाट नाराज है, किसान तो यादव किसानी धर्म है ना। एक मिनट, कपीश श्रीवास्तव जी, आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, झूठी खबरें दिखा रहे हैं, और जो देश की मीडिया मेरी चिंतित है कि जाट मान गए, उन्होंने जाटों को मना लिया, मलिक साहब और आप एक एजेंडा चला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जाट मान गए, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, कपीश जी, नहीं नहीं बात इस चीज की है, जाट ये आवाज आ रही है क्या मेरी? जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बिल्कुल जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जाट इनसे रूठे थे, इन्होंने मना लिया, तो इनको मुबारक। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग तो किसान देख रहे हैं, हम लोग जाट मुसलमान नहीं देख रहे, हम लोग किसान देख रहे, और किसान में सभी धर्म और जाति के लोग हैं। लेकिन ये इत्तफाक कहिए चाहे जो कहिए, 756 किसान जो शहीद हुए और जो चार की हत्या इन्होंने करा दी, वो इत्तफाक से 750 किसान जो थे वो जाट समुदाय से आते थे, वो किसी भी जाति धर्म से आते, उतना ही हमें दुख होता जितना अभी हो रहा है। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ, बांट के राजनीति देखने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, रालोद और समाजवादी पार्टी ने समेकित करने की राजनीति। इन्होंने पिछली बार अगर जाटों के वोट पाए थे तो इन्होंने जाट मुस्लिम एकता जो देश के बंधुत्व से जुड़ी हुई थी, देश की अस्मिता से जुड़ी हुई थी, उसको तोड़ के रौंदने का काम किए थे और थोड़ा दिन के लिए भटका ले गए, किसान से वो जाट हो गया था, किसान से वो मुसलमान हो गया। नहीं, मुजफ्फरनगर दंगा किसकी सरकार में हुआ? अरे भाई सुनो यार, जाट और मुसलमान को किसने लड़ाया? अरे भाई गोधरा का दंगा मत बताओ, गोधरा का दंगा मत बताओ जिसमें राजधर्म दंगाने के लिए प्रधानमंत्री गए थे, गोधरा के दंगे पे मत जाओ बाबू, कहे जा रहे हो? अभी तो किसान के मीटिंग पे बात कर ले अमित शाह के, गोधरा याद आ गया, गोधरा से गोधरा के दंगे पे जाने की क्या जरूरत है? फिर कहते हैं किसानों की बात करते हैं, 3000 लोगों को शहीद कराने वाले 756 किसान पे तो अभी अधूरी तपस्या बता रहे थे, जिन लोगों को गोली चलवाते हैं, लेकिन चक्कर तो यह है राम भक्तों पे गोलियां भी चलवाएंगे जो 60 आदमी के हत्यारा है, संगीत सोम इनको दिखता नहीं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को जिंदा कूतरा चाहा, इनको जो है ना संगीत सोम दिखेगा, ना सुरेश राणा दिखेगा, ना गुड्डू खटीक दिखेगा, सब तो तुम्हारी पार्टी के दंगेबाज है और उनके ऊपर ही मुकदमे हैं, 302 के भी वही हैं। तो आप सुनो, आप सुनते जाओ, आपको गोधरा में नहीं पसना है, सरकार किसकी थी? गोधरा में नहीं जाना है, सरकार हमको ये जाना है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग जी, मेरे सरकार सरकार किसकी थी? सरकार किसान बनाने का काम कर रहे हैं, हम किसान देख रहे हैं, ये जाट और मुसलमान देख रहे हैं, हम किसान देख रहे हैं, ये किराना देख रहे हैं, हम किसान देख रहे हैं, ये संगीत सोम देख रहे हैं। आपने जो इन्हें कही है कि बांटने वाले लोग कोर्ट ने बटी हुई राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज किसान समझा देगा कि नरेंद्र मोदी, तुमने जिस संसद की मिट्टी को चूम के कदम रखा था नरेंद्र मोदी, आपने एक भी चाट जाट के शहादत पे आंसू नहीं बहाए, आंसू नहीं बहाए हैं, और मोदी ने पूरे संसद सत्र के अंदर किसानों की शहादत पर गेम खेला है, कछुए नहीं बहाए, शहादत को समझ नहीं किया, सबक सिखाएगा इसको तुम्हारा किसान। कपीश जी एक मिनट, दीपचंद राठौर जी, मेरा तो यही कहना है ना कि भाई इस बात की क्या गारंटी, चलिए अगर
कपीस जी कह रहे हैं कि जाट नाराज हैं, अभी भी नाराज हैं, लेकिन मेरे देश की मीडिया नहीं, जाट मुस्लिम भाई भाई की बात कर रहे हैं और नाराज हैं, कपीस जी झूठ बोल रहे हैं, नाराज हैं, हमने इन लोगों ने ट्रेन में दंगे बाजों का काम है, जिसका मुख्यमंत्री 302 का आरोपी है, हत्यारा है, अपराधी है, हत्या का प्रयत्न किया, 153 रन क्या किया, कपीस जी प्लीज, कपीस जी बहुत वेट कर रहे हैं, कपीस जी कैसी जानकारी है, कैसी जानकारी बोलिया चलवाई, कैसे घूम रहे थे ये माफी मांगते घूम रहे हैं, इसका मुखिया भी दंगेबाज है, कैसी जानकारी प्लीज कपीस जी प्लीज प्लीज, दीप चंद्र राठौर जी अगर जाट नाराज है इस बात की क्या गारंटी कि वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करेगा, राष्ट्रीय लोकदल को ही वोट करेगा? चौड़ा जी पहली बात तो ये कि जाट नाराज है कि नहीं है ये अलग मुद्दा है, क्योंकि जो आप चलाता है ना कि नेता चलाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश में जो आजकल चल रहा है उसकी वो बात नहीं करेगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक साल तक किसानों का आंदोलन चला, 700 किसान शहीद हुए, किसी मंत्री किसी संतरी ने उनकी सूझबूझ नहीं ली, उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी और आंदोलन जीवी कहकर उनकी बेइज्जती की। दूसरी बात, और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, जब इनसे कोई रोजगार मांगता है युवा पे ये लाठीचार्ज करते हैं और उनकी उनको धमकी दी जाती है कि अगर आप आंदोलन करोगे तो एनएसए लगा दी जाएगी, और इसी का इन्होंने जाटों ने भी यही आंदोलन कहा कि भाई इन्होंने पहले 2014-2019 के अंदर जाटों को बहला फुसला कर उन्होंने वोट दिया था एक मत होकर कि भाई ये हमारे लिए देश हित के लिए अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने ये देखा कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी से भी इन्होंने सिर्फ वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा वोटवादी है रामवादी नहीं है, कांग्रेस का मंत्र सर्वे भवंतु सुखिनः आता सभी सुखी रहे, और भाजपा का मंत्र संजय भवंतु सुखिनः आता है, किसानों को बना लिया, सपा ये कह रही है कि किसान हमारे साथ है, वो तो चावला जी आपको 2022 में पता लग जाए किसान किस साइड जा रहा है किस साइड नहीं जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा भगवान का सौदा करता इंसान, इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत देना सका वो किसान की कीमत क्या जाने। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो मोदी योगी की जो सरकार है ना उनके ऊपर जनता यूपी की जनता देख चुकी है, जिस तरह वो विकास के नाम पर चीन का हवाई अड्डा दिखा देते हैं, अमेरिका की सड़कें दिखा देते हैं, बंगाल का पुल दिखा देते हैं और आंध्र के बांध दिखा देते हैं, ये अपना खुद ही एफिडेविट बांटते हैं कि हमने विकास करा, अगर विकास करा होता अब आप रोजगार दो, जबकि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है असलियत मुद्दे पर, रोजगार पर, महंगाई पर। राजस्थान में आपकी सरकार है कितने रोजगार आपने दे दिए, पंजाब में आपकी सरकार है कितने रोजगार, देश का 12 सवित मलिक, नहीं 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 अभी मैं उस विषय पर आऊंगा जिसको लेकर सवाल उठाया दीप चंद्र राठौर जी ने, लेकिन सवित मलिक जी आप लोग बताते क्यों नहीं है, मेरे देश की मीडिया इतनी चिंतित है, मतलब जिनको चुनाव लड़ने उनसे ज्यादा चिंतित है मेरे देश की मीडिया, आप लोग ये बताते क्यों नहीं कि चलो ठीक है आप ये कह रहे हो कि खुले तौर पर हम भैया बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो किसको वोट करोगे, किसके पाले में जाओगे? देखो तिलक चावला जी स्पष्ट है, जब ये हमको मार रहे थे, जब ये हमको रात के अंधेरे में दौड़ा रहे थे, जब हमारे ऊपर लाठियां चला रही थी बीजेपी, उस वक्त किसान आंदोलन में जिसने सबसे ज्यादा साथ दिया वेस्टर्न यूपी में वो थे चौधरी अजीत सिंह, और किसानों का जो रुख है वो आज आरएलडी के साथ में सबसे अधिक है। हम स्पष्ट कहते हैं कि वेस्टर्न यूपी की जो चल रही है हवा उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। अमित शाह जी के साथ बैठक में थे, वो कौन थे जो अमित शाह के साथ बैठक में थे? ये बीजेपी के पदाधिकारी थे। देखो हमारे यहाँ जो जाटों की चुनाव चलती है वो खाप चौधरियों से चलती है, और खाप चौधरी बैठ के करते हैं, निर्णय लेते हैं, समाज को जोड़कर चलती है, कोई भी खाप चौधरी को न्योता नहीं दिया था, मैं पूछ लेता हूँ, चौधरी सवित मलिक को न्योता नहीं दिया था क्या? देखिए चौधरी मलिक साहब स्वयं कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूँ, राष्ट्रीय लोकदल तब खड़ी थी, अब हमने ये कहा कि जब बीजेपी हमको लाठियां मार रही थी, दौड़ा दौड़ा कर पीट रही थी, जब हम आंदोलन कर रहे थे उस वक्त हमारा साथ चौधरी अजीत सिंह ने दिया, नहीं तो आप हत्या करवा देते, आप आपने तो हमको नक्सली कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा,
क्या नहीं कहा, आज आपको जाट याद आ गए? अरे हम तो वही नक्सली हैं, वही खालिस्तानी हैं, वही पाकिस्तानी हैं, अब हमको क्यों याद कर रहे हो? और जिनको लेकर गए हैं ना, वो सारे बीजेपी के पदाधिकारी हैं, एक एक के नाम बता देंगे। के साथ आपने गठबंधन किया है, जिनके साथ आपने हाथ से हाथ मिलाया है, जो राम भक्तों के हत्यारे रहे हैं, वो लोग अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर रहे हैं, जहां से रालोद सीट मांग रही है। बताइए जैन साहब, ये बताइए, हमने किसी से गठबंधन नहीं किया है, हम ये कह रहे किसान उसके साथ है जिसको आप लाठी मार रहे थे, जो बचा रहा था। किसान उसके साथ है जब आप लाठी मार रहे थे, जो बचाने के लिए आया था, जिसने साथ दिया था। ये राजनीति आप करिए, ये फर्जी आंकड़े आप दीजिए, ये सारी चीजें आप समझाएंगे। आप लोग झूठे लोग हो। अरे ये बता दीजिए जैन साहब, लगातार बोलने से कोई फायदा नहीं है, मुद्दे पर बात करिए। लगातार बोलने से कोई फायदा नहीं है, मुद्दे पर बात करिए ना, जवाब सुनने की क्षमता। अरे जवाब कभी तो दोगे जब हम रुकेंगे, कि पहले ही बोलने लगोगे? ये कोई धारा बह रही है क्या? अगर आपके अंदर दम है सुनने का, जवाब देने की क्षमता है, तो हमारी बात खत्म होने दो, फिर अपनी बात बताओ। मेरा जवाब ले लीजिए। दीपचंद राठौर, इनको चुप करिए, जवाब ले लीजिए। मेरा भाग रहे हैं, ये सवाल करके भाग रहे हैं। हम नहीं भाग रहे। अरे हमको ये बताओ, आपने कहा था 14 दिन में गन्ने का भुगतान देंगे, पिछले वर्ष का 1500 करोड़ बकाया है, 105 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हो? चौधरी, अरे ये आवारा पशु हमारी सारी फसल चट जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं? ऐसे ऐसे किसान की आय दुगनी होगी? ऐसे किसान की आय दुगनी होगी पशुओं को खेत चलाकर? चौधरी मलिक साहब प्लीज, एक सेकंड चौधरी मलिक प्लीज, एक सेकंड प्लीज। कैसे जान साहब, दीपचंद राठौर जी, ये पूरा फोकस बीजेपी का जाटों पर क्यों आ गया? मनाना तो किसानों को चाहिए था, ये जाटों को मना रहे, चक्कर क्या है? क्या लगता है आपको चावला साहब? जाट किसान देखो, छत्तीस कौम में किसान लोग हैं, पंजाब किसान के यूपी के अंदर जाटों का बाहुबल्य रहा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग की जो पीछे कारण भाजपा की, अब देखो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब एक केसी जैन भाई बौखला रहे, मैं जवाब पूछता हूँ, जब आपके काले कानून कृषि बिल लाए थे, अगर वो सही थे तो गलत है तो लाए क्यों, और सही थे तो हटाए क्यों? पहली बात तो आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, जब आपको उल्टी दिखने लग चुकी है, एक ही पार्टी के आप रह गए, सुनो सही, नहीं नहीं आपके हिसाब से किसान बिल वापस करी गया 7 महीने में, आपने दुगना करा क्या? 400 रुपए प्रति क्विंटल की बात की थी, आप सत्ता में किस हिसाब से आए थे? आपने कहा था महंगाई हम कम करेंगे, बेरोजगारी हम लाएंगे, 2009 देंगे, आपने दी क्या? आपने झूठे, आप वो बातें भूल चुके हो, आप प्रवक्ता बन के आप बैठ चुके हो, आपको हकीकत का सामना करना पड़ेगा कि आज लोग किस तरह कर रहे हैं महंगाई से। आप कश्मीरी ब्राह्मणों के हत्यारे हैं, कश्मीरी पंडितों के हत्यारे हैं आप लोग। आप 2017 से लेकर कन्याकुमारी तक सारी बातें बता देंगे, लेकिन किसान की बात नहीं करेंगे, भुगतान की बात नहीं करेंगे, किसान बिल की बात नहीं करेंगे। 12,000 किसान, राजू गांधी जी थे, राजू गांधी पैसे आज 6,000 रुपया भेज रहे हैं, पूरा की पूरा किसानों के अकाउंट में पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा है? कैसे जी, आप ही ने किया ना किसानों का विकास, या मोदी जी ने? राजू गांधी पे बात दे रही थे, 1 रुपया फुल प्रूफ प्लानिंग क्यों नहीं की? कौन सी योजना आपने बनाई किसानों के हित में? 12,000 किसान सुसाइड क्यों करता रहा? दीपचंद राठौर जी प्लीज किसान, अगर आपने कुछ किया होता, सफाया नहीं होता पूरे देश से, पूरे देश से कांग्रेस का सफाया नहीं हुआ होता। ये जनता तय करती है किसने किया किसने नहीं किया। दीपचंद राठौर जी प्लीज, एक मिनट कैसी जैन साहब, एक प्लीज।
अब मैं आ रहा हूं उस महत्वपूर्ण विषय पर जिसको लेकर चर्चा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए जाटों को तो मना लिया, कैसी जैन साहब, अब मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। सुमित अपने सहयोगी से चाहूंगा कि प्लीज वो लाठी खाते हुए युवाओं की तस्वीरें जरा दिखाइए। इसकी बात बीच में टूट गई। कैसी जैन साहब, प्रयागराज में पिटते हुए युवा रोजगार मांग रहे हैं, आप लाठी चला रहे हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित करती हैं? ये चीखें, देखिए मैं गणतंत्र की बात कर रहा था, देखिए ये गणतंत्र, गन से ये कौन सा तंत्र चल रहा है? रोजगार मांग रहे हैं आप, उन्हें पीट रहे हैं। चावला जी, इस उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी इसके पहले रही, वो सरकारी डाटा सरकारी आंकड़ा है, 2,40,000 नौकरियां इन्होंने पूरे 5 साल के शासन काल में दी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, सुन लीजिए मेरी बात आ जाए, इसमें समाजवादी पार्टी, आप RRB NTPC परीक्षा के मामले को लेकर कह रहे हैं ये समाजवादी पार्टी का जिम्मा है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। जहाँ जहाँ प्रयागराज में पिट रहे हैं, सुमित दिखाइए वो तस्वीरें, दिखाइए। किसी जैन साहब, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता पिटवा रहे हैं इनको? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। चावला जी मेरी बात आ जाए, अगर आपने प्रश्न किया है तो देखिए, बात हो रही है कि रोजगार किसकी सरकार में कितने रोजगार दिए गए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार रोजगार दे रही है, लगातार वैकेंसीज निकाल रही है, और उसके बाद में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद अब चीजें सरकार के हाथ में नहीं है, अगली सरकार बनेगी, हमने अगर इस बार 4.5-5 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरियां दी हैं, तो अच्छा। अगली सरकार में हम बिल्कुल 10 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे, ये हम वादा और दावा दोनों करके आ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ चावला जी, चूंकि समाजवादी पार्टी चीख चीख के कह रही है कि आपने बेरोजगार कर दिया। समाजवादी पार्टी सरकार में, पिछली सरकार में मात्र 2,40,000 नौकरियां दी गई। देखिए अगर सरकारों का तुलना होगा तो सरकारों की तुलना सरकार से ही होगी कि पिछली 5 साल की सरकार ने क्या किया, इस 5 साल की सरकार ने क्या किया। किसी जैन साहब, मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं, आप समाजवादी पार्टी, जिस विषय पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं, बिहार से लगी हुई बेरोजगारों की आवाज उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 35,000 से ज्यादा की वैकेंसी थी, इस मसले को समझिएगा, 35,000 से ज्यादा की वैकेंसी थी, 1,26,00,000 लोगों ने आवेदन किया, युवाओं ने आवेदन किया। गलती किसकी थी? आपने कमेटी गठित कर दी। लेकिन जो ये लोग युवा पिट रहे हैं, आप समझ रहे हैं उनकी पीड़ा, उनकी पीड़ा समझ रहे हैं? जहां पे जो 20 का है वो 23 का हो गया, जो 23 का है वो 25 का हो गया, क्योंकि 2019 फरवरी में आपने ये भर्ती निकाली और उसे आज तक आप पूरी नहीं कर पाए, एक भर्ती नहीं हुई, तो कौन जिम्मेदार हुआ इसका? ये युवा जो लाठी खा रहे हैं? नहीं, देखिए देखिए चावला जी, जो भी वैकेंसी निकलती हैं उसका जो प्रोसेस होता है उसको पूरा किया जाता है। बिना प्रोसेस के तो चीजें नहीं हो सकती, बिना प्रोसेस के तो चीजें नहीं हो सकती है ना। विंडो में दिखाइए आप तस्वीरें। नहीं नहीं, अगर आप कह रहे पूरा नहीं, 2016 की समाजवादी पार्टी की निकाली वैकेंसी को हमने भरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरा, 69,000 भर्तियां वो थी जो वो 2016 में निकली। आपके मंत्री ने ट्वीट किया 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी हमने, आप तो वैसे ही बात कर रहे हैं। पूरा किया, मैं आपको 16-17 2019 में फरवरी में ये भर्ती निकली, ठीक चुनाव से पहले, और 2,42,00,000 आवेदन आए, एक की परीक्षा हुई या एक की परीक्षा अभी तक नहीं हुई, और आप कह रहे हमने नौकरी दे दी। देखिए चावला जी, सारी नौकरियों का प्रोसेस अलग अलग होता है, और मैं बताऊं आपको, इन्हीं 69,000 भर्तियों पे भी मैं बैठा डिबेट में, कई बार बैठा, फिर उसमें चीजें सामने आई उभर करके कि लेट क्यों हुआ, उसमें कई बार बच्चे हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कई बार काउंसलिंग फिर से हुई, चूंकि बच्चे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, तो कई बार वैकेंसीज में ये भी होता है कि वैकेंसीज को जानबूझ करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा करके डिले किया जाता है और आरोप लगता है सरकार पे,
आप ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से, ऑडिट डालने वाले कौन लोग होते हैं, मुझे ये बताइए डालने वाले पार्टी ने किया या नहीं किया, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है। छात्रों को लाठी मारी जा रही है तो फिर किसकी जांच करवाने की बात आप कह रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, अगर आप परीक्षा नहीं करवा पा रहे, आपने 2019 से लेकर 2019 से पहले आपने चुनाव में भर्ती निकाली, 2022 आ गया आप भर्तियां पूरी नहीं कर पाए, 35,000 से ज्यादा वैकेंसी, 1,26,00,000 से ज्यादा आवेदन, आप भर्ती पूरी नहीं कर पाए और अब छात्र पिट रहे हैं रोड पे, फिर भी आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की गलती है। देखिए चावला जी क्या कारण है, ये पूछ लीजिए चावला जी, अगर ये नौकरी की बात कर रहे किस विभाग में कितनी नौकरी दी सर, मैं तो 50 बार पूछा डिटेल आपके पास, 3 वैकेंसीज में लेट क्यों हुआ? अगर कुछ वैकेंसीज में लेट लतीफ हुआ है उसके कारण आपके पास होंगे, मेरे पास का डिटेल नहीं है कि किन कारणों से लेट हुआ, नहीं मैं उसका भी आपको सामने डिटेल लगता। मैं बता रहा हूँ आपको 69,000 भर्तियों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें कई बार बच्चे हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उसमें इसलिए लेकर के आए आप लोग और ये 2000 मैं सीधा बोल रहा हूँ, रुकिए एक मिनट कपीर श्रीवास्तव जी, आप लोग हिंदुओं को मनाइए, मुसलमान को मना रहा है, कोई जाट को मना रहा है, तमाम ये जो अगर उनको हमने पूरा कर कपीर श्रीवास्तव, एक मिनट कपीर श्रीवास्तव, इनको कौन मनाएगा जो ये जुआ पीट रहे हैं? देखिए बहुत सीधी सी बात है कि इनकी सरकार ने नौकरी तो दी नहीं, पिटाई खूब दी, और उसका आपकी कारण सरकार में कितनी नौकरी दी आप बता दीजिए ना, काल के अंदर जो कोरोना वॉरियर्स बने, जो 108 के चालक थे, जो 102 के चालक थे, उनको भी आंदोलन करवा के लाठियों देने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। ये जनरल डायर की सरकार है। 69,000 शिक्षक में दो तरह से इन्होंने गलती की, एक तो संवैधानिक इनकी संस्था है जो ओबीसी आयोग है, उसने कहा कि इन्होंने 24% की जगह सिर्फ 4% का आरक्षण दिया, तो वो बच्चे आरक्षण वाले बैठ गए धरने पे, उनको लाठी दिया। फिर 69,000 शिक्षक में अन्य भी भर्तियों में गलतियां इन्होंने की कि जिनके उतने नंबर नहीं थे उनको भी चुन लिया, तो जो ज्यादा नंबर पाए हुए बच्चे थे वो भी बैठ गए। उसी में एक नाम आपको बता रहे हैं कि जो पानी के टंकी पे बहन बैठी थी, इसी बच्चे से बात की आपने, जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी कर रहे हैं। अब देखिए 170 दिन तक शिखापाल लखनऊ के निषादगंज कुछ भी बोलेंगे पर बैठी हुई महिला थी, नीचे 50,000 बच्चे बोलेंगे बच्चे थे जो प्रभावित हुए थे, 50,000 उसमें से 500 ये बोलने नहीं दे रहे क्योंकि ये जनरल डायर की सरकार के लोग हैं, ये केसी जैन जो है ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार की, भारतीय जनता पार्टी जनरल डायर की है, जनरल डायर के लोग आपको कितनी देर चाहिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर लूंगा आप उतनी देर कंटिन्यू बोल लीजिए। मैं बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी गलत हाँ तो मैं अरे कुछ भी नहीं पता है। आप सब उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं, आप सब पूछते हैं उत्तर प्रदेश की बात, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हो, गुजरात की बात करते हो, कन्याकुमारी की बात करते हो, एक आंकड़ा पता नहीं है, कुछ जानकारी है नहीं, नेता ही बने रह गए। बता दीजिए कितनी भर्ती की आपने, बोलिए किस विभाग में कितनी भर्ती की है बता दीजिए, कितना गन्ने का भुगतान किया ये बता दीजिए, कितना आपने गेहूं पे बोनस खाया किसान का बता दीजिए, कितना धान में बोनस खाया है वो बता दीजिए। चौधरी साहब अपने देश के लोग हैं, एक मिनट कपीर जी कैसी जान साहब, 20,000 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान भारतीय तोड़ दे रहा, कैसी जान साहब आप तमाम पार्टी की सरकार कल्ला करने वाले पार्टी के आदमी हो, अरे इसको कुछ भी तो नहीं पता है तावला जी, इसको बेचारे को कहां से पकड़ लाए हो, 20,000 करोड़ का बकाया भुगतान छोड़ दिए थे,
समाजवादी पार्टी के मुखिया दे दो। अरे कितना बकाया बचा है ये बता दीजिए, कितना अभी बचा है ये बता दीजिए। एफसी जैन साहब मैं कितना बता, एक मिनट चौधरी साहब प्लीज, एक मिनट चौधरी साहब प्लीज, भगत डिले हो रही है चौधरी साहब प्लीज कपीसी। कैसी जैन साहब आपका फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है आराम से, मुझे मालूम है आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, वहां पे इतने काबिल प्रवक्ता आपको रोज 25-25 डिबेट करते होंगे, एक एक करके आराम से अपनी बात रखिए ना, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। कपीश श्रीवास अपनी बात रखिए, फिर दीप चंद्र राठौर जी आपके पास आ रहा हूँ। कपीश जी मैं ये कह रहा हूँ कि रोजगार प्राथमिकता क्यों नहीं है आप लोगों की, कोई जाट मना रहा है कोई मुसलमान मना रहा है। भाई हमने तो किसान प्राथमिकता रखा ना, जाट और मुसलमान तो ये रख रहे हैं, हमने तो आपको बात कहा कि हम तो समेकित रूप से देखते हैं, हम तो किसान देखते हैं, किसान शहीद हुआ, हमने आपके डिबेट में ही आपसे आग्रह किया, हम नहीं देखते। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी की बात है 45 साल में चरम सीमा पर, डबल इंजन की सरकार चल रही है, और इनको कम से कम दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी जिम्मेदारी से बताए कि केंद्र में इन्होंने कितने रोजगार हमारे उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को दिए और क्या बोलते हैं कितने उत्तर प्रदेश के अंदर दिए, ये दोनों ही नहीं बताते। और यही हस्र है कि ये लाठी बजाते हैं केवल। आज जो प्रयागराज में घटना घटी है और जिस तरीके से घुस घुस करके मारा गया है, वो हमारे ही आपके घर के बच्चे थे जो वहां पढ़ने गए थे, अपने हक की मांग कर रहे थे, अगर उनकी उम्र के वजह से कुछ गलती हो गई तो गलती की सजा जो कानून में है वो देनी चाहिए या जिस तरीके से दी गई वो देनी चाहिए। हम तो इस बात मैं आपकी बात मान लिया, ठीक है। एक बात मुझे बताइए कपीश जी, 14 जनवरी को नतीजे आए और हंगामा 24 तारीख से शुरू हुआ, आरोप तो ये लग रहा है ना कि आप लोग अपनी राजनीतिक भूख मिटाने के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई हम इस्तेमाल क्यों करेंगे, बेरोजगारी हमने तो बढ़ाई नहीं, इनके हाथ में डबल इंजन की सरकार थी, घटाने का काम इनको करना था, और ना लाठी भांजने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी तो कर नहीं रही है, यही लाठी भांज रहे हैं। सुपर टेट के बच्चे पिटाए, 72,000 शिक्षक पिटाए, शिक्षा मित्र पिटाए, वित्त विहीन शिक्षक पिटाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पिटाई, यहां तक कि बाल छिलवा दिया लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि उनके कर्मी ऐसे थे कि बाल छिलवा दिया, और हुजूर खुद ही बाल छिलवा के बैठे रहते हैं। तो चक्कर इस बात की है जो कि निंदनीय तरीके से देखा गया बच्चों को। योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं कहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरी की कमी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं का अभाव है। आप राजनीतिक एजेंडे में प्राथमिकता क्या है दीप चंद्र राठौर जी, आपको दिखाई देता किसी की प्राथमिकता यहाँ पर रोजगार है? चावड़ा साहब बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, बजाय रोजगार बनाने के उत्तर प्रदेश में जो युवा आंदोलन कर रहे हैं उनको पिटवाया है, उनको धमकी दी जाती है कि अगर आंदोलन करूंगा तो एनएसए लगा देंगे, और इससे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, इसे खत्म करने के लिए न तो योगी सरकार कुछ कर पाई ना मोदी सरकार कुछ कर पाई, और इससे भी बड़ा मुद्दा है जो फर्जीवाड़ा चला रहे हैं। योगी सरकार ने अपने अपने आप के बड़े बड़े पोस्टर लगाकर बैनर लगाकर अपनी पीठ थपा रहे हैं कि हम अपने आप में एक नंबर वन पर है। दूसरी बात, अभी कपीश भाई तो बैठे थे, उनको मैं बताना चाहूंगा, ना तो इनके पास किसानों की शहादत का डाटा है, ना कोविड के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मौत का डाटा है, ना ऑक्सीजन की कमी के दौरान जो एक्सपायर हुआ ना उनका डाटा है, और आप सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। एनडीए का मतलब है नो डाटा अवेलेबल सरकार। दूसरी बात, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में 3 दशकों से कुशासन का अंत होगा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपी में फिर से विकास सद्भाव वे नए मार्ग पर लौटेगा। अब की बार हिंदू मुसलमान पर चुनाव ना होकर चावड़ा साहब असलियत मुद्दे पर चुनाव होगा, जैसे कि महंगाई है, किसानों की बात ना मानना, रोजगार देश की गिरती हुई जीडीपी, प्लस उन्नाव कांड, किस तरह का दीप चंद्र राठौर जी जो पढ़ रहे हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो रोड मैप लेकर जाइए जनता के पास, जो आप पढ़ रहे हैं उसको लेकर जाइए कि आप इंप्लीमेंट करेंगे कैसे। चावड़ा साहब देखो ये जो आजकल का मुद्दा के देखो, रोजगार और महंगाई का मेन मुद्दा है, रोजगार पे कोई बात नहीं करता, रोजगार और महंगाई अगर मुद्दा आप नहीं बना पाए, ये आपकी काबिलियत पर सवाल खड़े करता है।
विपक्ष होने के नाते अगर रोजगार आपकी प्राथमिकता में मुद्दा नहीं बना और महंगाई मुद्दा नहीं बना, अगर आपके नेता सिलेंडर उठाकर जनता के बीच में नहीं जा पाते, ये आपकी कमजोरी है, ये जनता की कमजोरी नहीं है। बुना नहीं पाते कि भैया फूलों की माला की जगह आप भी प्याज टमाटर की माला पहन के जाइए, आपको किसने रोका? ये आपकी कमी है साहब, ये जनता की कमी नहीं है। अगर दो की कमी नहीं है, पहले महंगाई मुद्दा था तो 2014 के बाद उससे बड़ा मुद्दा था महंगाई, वो आप नहीं बुना पाए, वो आपकी कमी थी। दीपचंद राठौर जी, विपक्ष अपनी मांग उठा रहा है लगातार, तो विपक्ष मांग उठा रहा है, तभी किसान सड़कों पर थे और किसान तभी कह रहा था कि अगर विपक्ष सड़कों पर होता तो आज हमें सड़कों पर ना बैठना पड़ता। पूछ लीजिए मलिक साहब से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं पूछिए आप मलिक साहब से, पूछिए ना आप मलिक साहब, जवाब मिल जाएगा आपको। सरकार किसकी है, सरकार किसकी है, योगी और मोदी जी की, उनको मानना चाहिए। अपनी मांग उठाइए, राहुल जी के नेतृत्व में हमने उनका सपोर्ट दिया। मलिक साहब, अभी केसी त्यागी साहब, केसी जैन साहब जुड़ेंगे तो फिर मैं उनसे पूछ लूंगा। ओके मलिक साहब। त्यागी जी, केसी जैन साहब नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये हमारे सामने से 11वें बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो भाग गए हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये लोग कहते थे उत्तराखंड में कि ये डबल इंजन की सरकार लाएंगे, डबल इंजन की सरकार, मैं आपको बता दूं ये लोग देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, सिंगल इंजन की सरकार ये कहते हैं, क्या उसको केंद्र का फंड नहीं देंगे या केंद्र से आने वाली सुविधाएं नहीं देंगे? क्या नीति आयोग के जो पैसा है या विकास कार्य है उसको रोक देंगे? ये तो इसका मतलब भारत के संविधान को नहीं मानते, ये तो संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप किसान, आप किसानी की बजाय आप राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, आपको किसानी पर ध्यान देना चाहिए। आप कह रहे कि अरे तिलक भाई, ये बताइए, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के संविधान को हम भी मानते हैं। क्या संविधान के अंदर ये दायरे में आता है कि केंद्र की जो नीतियां है वो राज्य की आप रोक देंगे, एक इंजन की सरकार बना देंगे? अरे ये 24 घंटे झूठ बोलने का काम करते हैं। हम भारत की जनता को ये बताना चाहते हैं, जैसे किसानों के साथ धोखा देने का काम किया, इसका मतलब आप समाजवादी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। हम किसी के लिए बैटिंग नहीं कर रहे, जो मुसीबत के वक्त हमारे काम आएगा हम सबकी मदद करेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी हमने किया है। और हमारा पहले दिन से है कि बीजेपी को हराओ और जो उसको हरा सकता है उसको जिताओ, और हम आज भी यही बात कह रहे हैं। इन्होंने एक बार फिर किसान को धोखा दिया है, जब वहां से उठाया गया इन्होंने कहा कि हम एमएसपी पे कमेटी बना देंगे, नहीं बनी। इन्होंने कहा हम मुआवजा दे देंगे, नहीं मुआवजा मिला। इन्होंने कहा मुकदमे वापस ले लेंगे, नहीं हुए। कौन सा वादा पूरा किया है? वो केसी जैन साहब जुड़ते तो मैं उनसे पूछ लेता, लेकिन दीपचंद राठौर जी मैं आपके पास आऊं। लेकिन उससे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, देखिए सत्ता में दीपचंद राठौर जी होंगे तब भी सवाल पूछूंगा, सत्ता में आप भी होंगे तब भी सवाल पूछूंगा, केसी जैन साहब हैं तब भी सवाल पूछूंगा। सवाल सत्ता से पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। मुझे ये बात बताइए, अगर आप कह रहे हैं रोजगारों की बेरोजगारों की पीड़ा, आज आप लाठी खाते हुए युवाओं को देखकर आप आज आंसू बहा रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव जी दिखाओ सुमित एक बार, ये लाठी खाते हुए युवा जो हैं आज आपको रुला रहे हैं, आंसू रुला रहे हैं, आप रो रहे हैं। आप अपने घोषणा पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट में, त्याग पत्र में, जो भी नाम देते हैं, आप ऐलान करिए ना कि पहली कलम मेरी, जैसे एक 21 साल 31 साल के लड़के ने चुनाव का एजेंडा फिक्स किया था बिहार में, किया था, तो आप एक एजेंडा फिक्स करिए कि अखिलेश यादव की पहली कलम चलेगी तो मैं इतने युवाओं को रोजगार दूंगा। आप लोग ये एजेंडा क्यों नहीं फिक्स करते? आज आपको रोते हुए युवा दिखाई देते हैं, लाठी खाते हुए युवा दिखाई देते हैं, दिखाओ सुमिता, बोलिए कपिल जी। देखिए चावला साहब, पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि अभी हमारा घोषणा पत्र आ रहा है, उसको आप जरूर देखिए, और हम रोज अपने घोषणा पत्र के ही संकल्प को ले रहे हैं एक एक करके। बहुत सी ऐसी चीज है जो पॉलिटिकल मूव होता है, उसमें बहुत सी चीजें देख समझ के की जाती है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रोज का रोज प्रेस से बात की, एक भी दिन ऐसा नहीं गया है
जो हम प्रेस से बात करके अपने संकल्पों को ना दे रहा। नहीं सुन सुने आपका, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। आप लोग लेकर जाइए ना, मैं कह रहा हूँ कि इतने लोगों को हम रोजगार नौकरी दे रहे हैं, ये मेरी पहली कलम चलेगी तो मैं इतने लोगों को रोजगार नौकरी दूंगा सरकारी। सुन तो लें वो घोषणा होने जा रही है। अभी हमने आईटी के अंदर 22 लाख नौकरियों का जिक्र किया है, और जहां तक आप सरकारी नौकरी का सवाल है तो आप शायद प्रेस वार्ता भूल गए, आपके भी उसमें प्रेस के लोग थे, आपके यहाँ के भी संवाददाता। और मैं इत्तफाक था कि उस दिन प्रवक्ताओं की हमारे यहाँ मीटिंग थी, हम भी उसमें उस प्रेस वार्ता में, उसमें उन्होंने साफ कहा कि जो 69,000 शिक्षकों के साथ बदसलूकी की गई है, अन्याय किया गया, समाजवादी पार्टी उनकी अपनी सरकार बनते उनको समायोजित करेगी, और साथ ही 72,000 शिक्षक के भी लोगों को, यहाँ तक कि जो हमारे एम्बुलेंस के कर्मचारी थे, अनुदेशक थे, सीपीएड बीपीएड वाले थे, सबको कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि आपको आते ही हमें नौकरी देनी है। और कुछ घोषणा ऐसी है कि जो मुझे पता है लेकिन हम अभी नहीं कह सकते, और घोषणा होगी चुनाव के पहले होगी, चुनाव के पहले होगी, चुनाव में जाने से पहले होगी, ठीक है। और हम आपको संकल्प जो करेंगे वो 2.5 साल के अंदर आधा पूरा करके दिखाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं। केसी जैन साहब अभी चले गए, लेकिन मैं सवाल पूछ लेता हूं उनसे। मेरा सवाल यही था, मैंने कहा था ना शुरू में, आज दो चिंताएं थी। एक चिंता मेरे देश की मीडिया को कि जाट मानेंगे नहीं मानेंगे, मलिक साहब ने कहा हम तो नहीं माने भैया, हमारी चौधराहट अपनी कायम है। और मेरी चिंता यह थी कि जो बेरोजगार पिट रहे हैं रोड पर, वो चिंता का विषय आप लोगों के लिए भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच कपीश जी, चौधरी सवित मलिक साहब, दीपचंद राठौर साहब। सवाल यही था कि कमेटी नहीं नौकरी चाहिए। आप कमेटियां गठित करिए लेकिन नौकरी कौन देगा, यह अपने आप में एक सवाल है। कमेटियां बनती हैं, कमेटी मुकरर होती है, वक्त गुजरता है, चुनाव बीत जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती नौकरी। इसलिए लाठी खाते युवा आज सवाल बने हुए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।